दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज सेकेंड ओडीआई मैच खेला जाना है क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में, और ऐसे में आज की वीडियो में हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि क्या दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 रहने वाली है, किस टीम के साथ मोमेंटम है, पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, की प्लेयर्स कौन से रहने वाले हैं, और अंत में हेड टू हेड मैचेस को देखेंगे। और इन सभी स्टैट्स को देखने के बाद हमें प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। तो फटाफट अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिस गेल के लिए, और लाइव मैच के दौरान सभी लाइव अपडेट्स, लाइव हाइलाइट्स, कैचेस, विकेट, सक्सेस, सभी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन को प्रेस करके रख ले, जिससे मैच के दौरान आपको सभी लाइव अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैच की क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है दोनों ही टीम्स की। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर पहले ओडीआई के बाद एक चेंज देखने को मिल सकता है। क्या है वो चेंज, वो देखें हम। ओपनर्स के तौर पर यहाँ पर रहने वाले हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केदार जाधव, ये मिडिल ऑर्डर रहने वाला है। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर के तौर पर खेलने वाले हैं। कुलदीप यादव एकमात्र स्पिनर रहने वाले हैं जिनका साथ देंगे रविंद्र जडेजा। पेसर्स की बात की जाए तो मोहम्मद शमी, खलील अहमद और भुवनेश्वर कुमार, ये प्लेइंग 11 थी पहले ओडीआई मैच में। भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पर रेस्ट दिया जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, और ऐसे में नवदीप सैनी की एंट्री यहाँ पर हो सकती है। बात की जाए अगर वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 की तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बावजूद भी प्लेइंग 11 को देखते हैं तो क्रिस गेल, एवन लुइस, साई होप, निकोलस पूरन, सिमरन हेटमायर, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर, कार्लोस ब्रैथवेट, फेवेन एलेन, सेल्डन कॉटरेल और कीमार रोज। तो इस प्रकार से वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 रहने वाली है। बात कर लेते हैं हम पिच रिपोर्ट की, तो क्वींस पार्क ओवल यहाँ पर मैच होने वाला है, और जिस प्रकार से पिच बिहेव करती है और यहाँ पर चेज करना किसी भी टीम के लिए आसान होता है, तो टॉस जीतकर कोई भी टीम पहले बॉलिंग करने का फैसला करने वाली है, और जो कि अच्छा फैसला इस पिच पर साबित होने वाला है। बात कर लेते हैं हम हेड टू हेड मैचेस की, तो हेड टू हेड मैचेस में जितने भी मैचेस इंडिया और वेस्टइंडीज की जमीन पर हुए हैं, 36 मैचेस हुए हैं जिनमें से वेस्टइंडीज की टीम ने 20, इंडिया की टीम ने 14, और 2 मैचेस में नो रिजल्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं हेड टू हेड मैचेस के मामले में वेस्टइंडीज की टीम का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन मोमेंटम को आप देखते हैं, लगातार लास्ट 3 मैचेस जीते हैं टीम इंडिया ने, और ऐसे में साफ तौर पर टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है टीम इंडिया का, वहीं वेस्टइंडीज की टीम का उतना खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो ऐसे में मोमेंटम के तौर पर टीम इंडिया आगे है। तो वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल प्रेडिक्शन की, तो मेरे हिसाब से नो डाउट इस मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है, टीम इंडिया इस मैच को जीतने वाली है। लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताएं। साथ ही साथ क्रिकेट अपडेट्स, मैच के दौरान सभी लाइव अपडेट्स, लाइव न्यूज, कैचेस, सिक्सेस, विकेट, सभी हाइलाइट्स पाने के लिए आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।